हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आप देख सकते हैं पीसी ज्वेलर्स ने जो मेजर रेसिस्टेंस था 180 का आज तोड़ दिया है और उसके ऊपर आया है। तो आप देख सकते हैं इसका अगर चार्ट देखेंगे तो किस तरह आज इसने 10% की रिकवरी दी है। और अगर आप सोच भी रहे हो सेल करने की तो फिलहाल सेल ना करें, क्योंकि अगर इसके अंदर क्योंकि बायस सबसे ज़्यादा है और इसने आप देख सकते हैं लगभग 188.70 का हाई बनाया है और लो था 166 का। तो अगर आपको बायर सेलर दिखा देता हूँ, लगभग 61 लाख बायस हैं और 7 लाख सेलर हैं। तो इसका यही मतलब है, इसमें बाइंग सबसे ज़्यादा है। सेल करके ना चलिए, अगर सेल कर दिया गलती से भी तो जिस रफ्तार से ये आप चैट का पैटर्न देख सकते हो, फिर से 190, 195, 200 भी अगर इसी रफ्तार से चला तो क्लोजिंग के टाइम 200 भी दिखा सकता है। तो फिलहाल सेल ना करिएगा। अगर आपने बाइक किया है और काफ़ी लोगों ने ऊपर के रेट पे बाइक किया है तो ये काफ़ी राहत की बात है। आप लाइव दे सकते हैं किस हिसाब से ये स्टॉक चल रहा है और 25th को जो है इनके रिजल्ट्स भी है, उसी के चलते इसके अंदर बाइंग भी आ रही है और एक्सपायरी भी आ रही है FNO के। इसके लिए शॉर्ट कवरिंग भी शायद आप बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग सेल के अंदर बैठे थे काफ़ी ऊपर के रेट पे 250, 220, 240 और 195 पे। सबसे ज़्यादा इसके अंदर सेलिंग थी, शॉर्ट करके बैठे थे और अब सब जो है बाइंग में आ चुके हैं। तो बाइंग करना ज़रूरी है। अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो वो एक रैली भी इसमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर बाइंग इसके अंदर और आ जाती है और सेलिंग कम होती है तो ये जो स्टॉक है फिर से 200 का लेवल आपको दिखा सकता है आराम से। और इस स्टॉक के लिए 20-30% रिकवर करना कोई बड़ी बात नहीं है जिस हिसाब से ये डाउनफॉल हुआ था। तो फिलहाल आप इसके अंदर सेल ना करें, शॉर्ट करके ना बैठे। अगर नीचे के रेट पे आपने लिया है 160-165 के लेवल पे तो फिलहाल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। ये लाइव क्यों दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ सके ये कितना मोमेंट देता है। तो चार्ट से आप देख ही सकते हो लगभग ये 172 के करीब था और यहाँ से जो उछाल मारा है सीधा 188 का इसने मारा है, 180, 185, 188। तो अगर ऐसे ही उछाल अगर इसने फिर से मारा तो सीधा 190 क्रॉस हो सकता है। तो फिलहाल आप बाइंग पोजीशन में हैं तो काफ़ी अच्छा है, आपको प्रॉफिट होगा ही इस स्टॉक में। और लगभग 200 का लेवल भी मुझे लगता है कि आज अगर नहीं हुआ तो कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स नज़दीक हैं तो उस हिसाब से भी लोग डिलीवरी ले सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बताना था। और ज़बरदस्त उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला है और जो लोग फंसे हुए हैं 220-230 के ऊपर, उनका भी अगर लेवल आता है और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये लेवल 250 के ऊपर भी जा सकता है। तो आप इतना ध्यान में रखिए और इस स्टॉक पे नज़र बनाए रखें ताकि आपको प्रॉफिट हो लॉन्ग टर्म में। और अगर आपको लगता है फिर नीचे आने वाला है रिजल्ट्स के बाद तो आप अपने रेट पर निकाल सकते हो। ये फिर से एक अपॉर्चुनिटी आपको निकलने के लिए भी दे रहा है। तो आज इसी के बारे में बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और 180 के ऊपर क्लोजिंग देता है और कल मैंने आपको बताया था कि जिस हिसाब से कल लास्ट 30 मिनट्स में इसने रफ्तार पकड़ी थी तो मैंने आपको बोला था 175 भी ओपन हो सकता है, लेकिन 172 के करीब ये ओपन हुआ था। लेकिन जिस हिसाब से रफ्तार पकड़ी है, जो 175 मैंने आपको बोला था उससे भी ऊपर आज आ चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।